108 प्रज्ञ सागर जी महाराज जी का आगमन हमारे झूम में चल होने वाला है, जल्द ही शीघ्र ही आगमन हमारा। परम पूज्य महाराज जी परम्पराचार्य जी का आगमन होने जा रहा है सभी लोग अनम्यूट हैं। हमारे 500 दिन के उपलक्ष्य में, और 100 दिन द्वितीय अध्याय समाप्ति के बाद हमारे साथ परम्पराचार्य जी जो पारस चैनल पे हमें तत्व का उद्बोधन करा रहे हैं, उनका आगमन हमारे यहाँ हो रहा है। बोलिए आचार्य जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय आचार्य श्री का अनुरोध कर लेंगे हमारे साथ हमारे दुर्गापुर सेंटर के अनुपमा जी है, जिनको मैं माइक दे रही हूँ। अनुपमा जी जी उनके बाद में पांचों लोगों को को होस्ट अनुपमा जी उनको को होस्ट बना दीजिए, सबको हैंडेज कर दीजिए मंगलाचरण जो तत्पर सूत के रूप में करने वाले हैं। जी जी भैया सबको मेरा मैं आपको अनुपमा जी मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप उनको को होस्ट बना दीजिए। जी भैया शुरू करेंगे। सबसे प्रथम सभी को मेरा सादर जय जिने, मुझे को होस्ट बना देना जी। भक्तामर जी के इस इतने बड़े वृहत परिवार की ओर से मैं अनुपमा जैन आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मॉर्निंग सेशन के 530 दिनों के अपूर्व सफलतम दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव राष्ट्र गुरु परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 नमोस्तु। सभी मिलके जयकारा लगाएंगे, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। हमारे बीच श्री विनय जी जैन हैं, जो परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज का पाद प्रक्षालन करेंगे। लोग किस्मत रखनी कर लो आप।
हम यहाँ से पात्र चरण कर रहे हैं और महाराज जी का पात्र चरण हो रहा है। लीजिए हम सभी आईबीएस के पार्टिसिपेंट की ओर से महाराज जी का पात्र चरण करते हैं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। सभी को मैं लगा देता हूँ सभी का जल। सभी लोगों को लगा लीजिए, अपने भावों से लगा लीजिए। भावों से सभी लोग निर्मल जल लगा लेंगे। नमस्ते गुरुवार। ये थे नहीं, मैं आ गई। अनुपमा आप म्यूट हो। आज निरंतर 530 दिन से मॉर्निंग सेशन चल रहा है, जिसमें एक सिंगल स्पीकर डॉक्टर अर्चना विनय जी जैन, ग्लोबल गुरु, मेडिटेशन क्वीन, बीजाक्षर क्वीन और अन्य कई ख्यातियों से जिन्हें नवाजा गया है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सेशन में जिसका लाभ हम 530 दिनों से ले रहे हैं। इसमें हर दिन प्रातः 6:30 बजे से श्री जी का अभिषेक व शांति धारा विनय जी जैन करवाते हैं, जिसके माध्यम से हमारा मन पूर्णतः शांत, प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है। मानसिक स्वस्थता के पश्चात अर्चना दीदी भक्तामर जी के श्लोक, मंत्र, रिद्धि व बीजाक्षर द्वारा हीलिंग कर हमें शारीरिक स्वस्थता की ओर लेकर चली जाती हैं। तत्पश्चात आध्यात्मिक स्वस्थता का सेशन में हम बहुत सारे नित्य नए चीज दीदी से सीख रहे हैं। कई अनुष्ठान विधान, कई प्रकार के ध्यान, कई पूजा भक्ति, 16 भावना, 10 धर्म इत्यादि बहुत कुछ हम निरंतर 530 दिनों से सीखते आ रहे हैं। अभी आध्यात्मिक सेशन में दीदी तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रही हैं। आचार्य श्री आपकी पुस्तक से जो बहुत ही सुंदर टेबल फॉर्मेट में आपने लिखी है, उससे हमें दीदी तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रही हैं। जिस तत्वार्थ सूत्र से हम दूर भागा करते थे, वही तत्वार्थ सूत्र आपकी पुस्तक द्वारा अध्ययन कर हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। 2 अध्याय अभी तक पूर्ण हो चुके हैं। पुस्तक की स्क्रीनशॉट दीदी स्क्रीन पे शेयर करती हैं और हर दिन लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स इसका लाभ ले रहे हैं। हमारे लिए आज बहुत ही गौरव की बात है कि हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से आपसे निवेदन करूंगी आचार्य श्री कि आप अपनी अमृतवाणी से हमें अनुग्रहित करें। इसके पहले मैं आमंत्रित करूंगी हमारी प्यारी अर्चना दीदी को, जो मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी और साथ ही मंगलाचरण के रूप में हमारे आईवीएस हीलिंग सेंटर से जुड़े कुछ लोग तत्वार्थ सूत्र का वाचन करेंगे। आमंत्रित करती हूँ दीपा प्रमोद जी जैन, अलका जी गंगवाल, देवेंद्र जी, सुरेश जी, रानी जी, मितांश जी, सरोज जी। हाँ, ये परम पूज्य आचार्य श्री परम्पराचार्य जी 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। आज अति पुण्य का उदय हमारा कि हमारे बीच गुरुदेव, जो हम पारस चैनल पे देखते सुनते आए और उनकी बुक से ही हम तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय बहुत सरल और सहज तरीका से, क्योंकि जैन धर्म के बहुत सारे शब्द बहुत कठिन होते हैं,
जिनको दिखाना जरूरी रहता है, उनको दिखाए बिना उसका शुद्ध उच्चारण या शुद्धता से लिखना संभव नहीं होता। तो गुरु जी ने बहुत अच्छे टेबल फॉर्मेट में हमें बहुत अच्छी बुक दी, जो कि मैंने 25-25 सभी के मंगवाया था और सबको यहाँ पर बांट रही हूँ, जो भी मांगता है सभी को वो पहुंचा भी रही हूँ कोरियर के माध्यम से सभी बुक। तो ये बुक के माध्यम से ही हम इतने सरलता से सहजता से तत्वा सूत्र को समझा पा रहे और पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे हमारे गुरुदेव के चरणों में आज भौतिक बात की सीमा में संतप्त दिग्भ्रमित हम सभी देश विदेश से जुड़े झूम वासियों के लिए महाराज श्री का आगमन मानो जैसे वरदान ही नहीं शिक्षा दान संस्कार दान साबित हो रहा है। हे परम कृपालु गुरुदेव, हे ज्ञान के दातार, अपूर्व महिमा के धारक, शाश्वत संत के अन्वेषक, मार्गदर्शक, जन प्रचारक प्रसारक, ऐसे संत श्री आचार्य परम्पराचार्य जी के चरणों में हम सभी झूम वासियों के ओर से शत शत वंदनम, शत शत वंदनम, आनंद कंदनम, चेतना लक्षणम, वंदनम वंदनम वंदनम, चेतना लक्षणम, आनंद कंदनम, वंदनम 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 वंदनम, वंदनम 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 वंदनम। बोले परम पूज्य परम प्राचार्य जी प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। जय जय जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जय जय जय। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथादि राज ग्रंथ की जय। जय जय जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य प्रज्ञ सागर जी महाराज आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम व्यक्तारम कर्म भूतां ज्ञातारम विश्व तत्वानां तद्गुण लब्धये तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गा दधि मात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्न्यासः प्रमाण नैरेत्रति गमः निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे। अलका जी देवेन जी नेट चला गया शायद प्रत्यक्ष मन्यतः मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनन्धांतरम् तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रह हावाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्राणि सितानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम अर्थस्य व्यंजन स्वया उग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम द्रव्यनेक द्वादश भेदम भवपत्यो दीर देव नारकानाम क्षयोपशम निमितः षड् विकल्पः शेषाणाम ऋजु विपुल मति मनः प्रय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः विशुद्धि शेत स्वामी विषयभ्योधि मन प्रय। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह
न चतुर्निन्द्रियाभ्याम कृतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम मति श्रुतयो निबंध द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपे श्रद्धे तदनंत भागे मन पर्यास सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्थभ्यां मति श्रुत वदयो विषयाश्च सद सद अत्रो विषय विषयादशु च लब्धे सम वतम नैवक्यम संग्रमम व्यवहारम रुजु सूत्र शब्द समापि रुडे वबु मुद्दा नया इति तत्वार्थ सिद्ध मोक्ष मार्ग प्रथम अध्याय समाप्तम नमोस्तु महाराज नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव वो बराबर है पर आगे मैं आगे देखा नहीं ना मैं देख रहे थे मती हाँ अनुपमा जी जी भैया ले लो और अब हमारी मुख्य आयोजिका ललिता जी जैन कोलकाता सिद्धार्थ की कर्ता धर्ता राष्ट्र गुरु परम पूज्य परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज को शास्त्र भेंट करेंगी श्री 108 प्रज्ञ सागर जी आचार्य मुनिराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए मैं समय शिखर सिद्धायतन के उसको मैं नहीं बोलती हूँ कि मेरा है कि किसी और का है वो सबके लिए है सिद्धायतन मैं हमेशा सबके लिए भावना बाती हूँ सिद्धायतन परिवार के लिए उनकी सभी की तरफ से और भक्तामर के हमारे जितने भी भक्तगण हैं उन सब की तरफ से त्रिबार नमोस्तु कर रही हूँ भगवंत को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु 500 दिन की अपूर्व सफलता ये पहला ऐसा जूम है जो कंटिन्यू 500 दिन से चला आ रहा है और सभी लोग सुबह में बिना किसी के रोक टोक के या ज्यादा उनको हम लोग बोलते नहीं है बिना बोले ही इतने लोग जुड़े चले आ रहे हैं आचार्य से ये एक इस भक्तामर की प्रभावना है किस भक्तामर से कितने जुड़ते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगी गुरुवर आपको कि कोरोना पीरियड में हमारे जूम ऐसे चल रहे थे कि 1000 लोग 10 मिनट में फुल हो जाता था सुबह और दोपहर का दोनों सेशन तो ये भक्तामर की प्रभावना है। और एक और बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कभी समय शिखर जी आपको हम श्रीफल चढ़ा के और आपको निमंत्रण करते हैं कि हम लोगों को भी आशीर्वाद वहां मिले आपका क्योंकि बहुत बड़ा ये तीर्थ क्षेत्र है और वहां आपके चरण पड़ेंगे तो हम लोगों के लिए और भी अच्छा होगा। इस समय हम लोगों ने आईवीएस की जो वहां पे एक सम्मेलन किया था पहला सम्मेलन था जहां 200 से अधिक लोग आए और आईवीएस का सम्मेलन हुआ 4 साल सिद्धायतन का पूर्ण हुआ और सिद्धायतन में जो भक्तामर के 2688 बीज मंत्रों का जो विधान कराया था 5 बार हो चुका पहली बार जो विधान हुआ था उससे एकदम फर्स्ट टाइम हुआ था और उसका यूट्यूब में 15 मिनट का क्लिपिंग डाला गया था। उस समय आचार्य विराग सागर जी का संघ था संभव सागर जी आचार्य श्री थे सभी लोग आए थे और उसका यूट्यूब में 1,21,00,000 से ज्यादा लोगों ने उस यूट्यूब को देखा है। तो ये भक्तामर के बीज मंत्र की प्रभावना है। मैं तो चाहती हूँ कि आप बीज मंत्र के ऊपर में भी एक प्रकाश डाले उस साहित्य को लिखे और उस साहित्य का लिखने का मुझे पुण्यार्जन करने का मौका मिले गुरुवर ऐसा मेरा मन है क्योंकि जो शास्त्र दान करता है उसे ज्ञानवर्णी का क्षय होता है। हम लोगों में इतना ज्ञानवर्णी कर्म का भी इतना अपूर्व नहीं है कि हम उसका क्षय कर सके तो कुछ इस तरह के कार्य करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। सुत बोध आत्मशोध का प्रधान कारण है बिना सुत ज्ञान के केवल ये संभव नहीं है। सुत सृजन सुत प्रकाशन सुत श्रद्धन से संपूर्ण जिन शासन की प्रभावना होती है इसी प्रभावना को विश्व तक पहुंचाए इसके लिए मैं एक शास्त्र के लिए 1,51,000 रुपया में भेंट करती हूँ। आप उसका सृजन करके हम लोगों को पुण्यार्जक करने का मौका दें
मैं बहुत ही अपने आप को धन्य समझूंगी कि ये मुझे पुण्यार्जन करने का, क्योंकि अभी विश्व सागर जी आचार्य श्री का वहां संत है, वहां पे भी मैंने दो शास्त्र का वहां पे किया, और शांति सागर ट्रस्ट में जो है उसमें भी दो शास्त्र का मुझे पुण्यार्जन करने का मौका मिला, तो मैं तो मौका ढूंढती हूँ। और आज आप इस जूम सेशन में आके हम लोग को जो आशीर्वाद दिया उसके लिए हम लोग धन्य हो गए पूरा। और आपको शास्त्र भेंट करके ये हमारे पुण्य चैतन्यमती माता जी जो योग त्रियोग आश्रम में संपूर्ण सागर जी महाराज जी विराजते हैं, ये 3,000 पुस्तकें वहां पे भी बनाई थी और कम से कम 10,000 पुस्तकें ये प्रकाशित हो चुकी है और होने जा रही है। और ये शास्त्र आपको भेंट करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी। ये विश्व सागर जी महाराज का लिखा हुआ शास्त्र है और इस शास्त्र को लिखने का दाता अभी मैंने देखा हमारे डॉक्टर जीवन लाल जी, जो डॉक्टर मंजू जैन है उसके पिताश्री है। तो ये शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि ये शास्त्र आपको भेंट करूं तो हमारे वो परिवार भी धन्य हो जाएगा जो जिनकी बेटी इतनी बड़ी प्रभावना पूरा विश्व में फैला के और अपने शिष्यों को इतना आगे बढ़ा दी है ना उसने, जो प्लेटफॉर्म डॉक्टर मंजू जैन और अर्चना जी सबको देखकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है, वही आशीर्वाद आपसे चाहिए कि हम सिद्धायतन के द्वारा भक्तामर को जन जन तक पहुंचाए, IVS ग्लोबल जितने भी यहाँ ग्रुप बने हुए हैं भक्तामर के सब अपने कार्यों में सफलता पाए और सब स्वस्थ और आरोग्यवर्धक रहे। इसी भावना के साथ में आपको शास्त्र भेंट करते हुए त्रि बार पूरे परिवार के लिए मैं नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए और अब हमारी अर्चना जी जैन IVS हीलिंग सेंटर के कुछ प्रोडक्ट्स आचार्य श्री को भेंट करेंगी। आचार्य श्री, ये बीजाक्षर की पावर ऑफ बीजाक्षर बुक है, हमने IVS से निकाला है, नैनो टेक्नोलॉजी। दूसरी बुक हमारी है आगम की निधि पावर ऑफ बीजाक्षर, ये बुक भी हम लोगों ने निकाला है, जो निःशुल्क अभी हम लोगों ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में से निःशुल्क साहित्य वितरण की योजना बनाई है और वो हम निःशुल्क सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा IVS सेंटर से निःशुल्क साहित्य जाएगा, कलर के साथ हमने इसमें बीजाक्षर दिए हैं, थोड़ा सा कलर के साथ हमने बीजाक्षर दिए हैं और मुद्राओं के साथ भी, जैसे भम से बुखार ठीक हो रहा है, थम से हाई बीपी लो बीपी कंट्रोल हो रहा है, गम से स्किन प्रॉब्लम जा रही है और मेन समस्या आज की जो राज रोग डायबिटीज, रिम मात्र एक जाप देने से रिम से डायबिटीज कंट्रोल हो रही है, ऐसे बहुत सारे बीज अक्षर पे हमने रिसर्च किया अभी पेंडेमिक में। एक भक्तांबर जी की बुक है और एक बुक ये भी है भक्तांबर जी की बड़ी वाली, ये चार बुक हम लोगों ने अभी निकाला है और चारों बुक निःशुल्क यहाँ से आचार्य श्री के जन्म। एक और है पिंडस्थ ध्यान, ये पिंडस्थ ध्यान, इसमें चारों भी ध्यान की बुक अभी निकल रही है महाराज जी, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत और 84 लाख उनकी यात्रा, पांचों भी ध्यान की एक बुक और निकल रही। पहले मैंने सिर्फ एक ध्यान पे काम किया था, फिर हमारे भट्टारक जी स्वामी जी ने कहा आपको पूरे ध्यान पे काम करना है, तो हमने पूरे ध्यान पे पेंडेमिक में काम करके भट्टारक जी नागपुर आए थे अभी, तो उनको बताया आप बहुत खुश हुए और पूरे ध्यान पे बुक निकालने की अनुमति उनसे। और एक हम लोगों ने गैजेट बनाया आचार्य श्री, एक जो इसमें सब पूरा 141 आइटम डाले हुए हैं। इस टाइप का, तो इस प्रकार हमने आपको ये मैं बाई कोरियर पोस्ट कर दूंगा, जहां से मुझे तत्वासूत की बुक आई थी उसी एड्रेस पे मैं कोरियर कर दूंगा। आचार्य श्री, हम आपको आपके चरणों में हमारा प्रोडक्ट रखते हैं ताकि हमें निःशुल्क कंटिन्यू करते रहे, ताकि जिंदगी हम इसको निःशुल्क सबको देते रहे। विनय भैया, मैं एक आचार्य श्री को मुनि महाराज जी को एक बात कहना चाहूंगी कि अर्चना जी के लिए ये जब सेशन ले रही थी इसको ज्ञान को देखते हम बोले कि अर्चना जी खाली हीलिंग नहीं देना है, आपको उसको शास्त्र का भी अध्ययन कराना, उन सब चीजों के बारे में बताना जो सब अनभिज्ञ है, और सही मायने में बताएं गुरुवर इनका करते 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 ही यहाँ तक पहुंच गई, वो कोई सोचा भी नहीं था। और मैं तो सोचती हूँ कि शायद एक दिन वो शास्त्र भी लिख लेंगी, ऐसा मेरा मतलब मन बोलता है, क्योंकि इनके अंदर में ज्ञान इतना भरा हुआ है कि धीरे धीरे अपने आप 500 दिन से ज्यादा होने पे इनका निखरता जा रहा है उस ज्ञान को, और उस ज्ञान के लिए आप इनको आशीर्वाद दीजिए कि कभी वो भी इस तरह के शास्त्र आचार्य जी नमोस्तु 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 नमोस्तु।
चलिए आगे अनुपमा जी अर्घ चढ़ाएंगे सभी लोग महाराष्ट्र को। अर्घ सभी लोग ले लीजिए हाथ में अपनी अपनी थाली, सभी लोग हाथ में ले लेंगे, सभी लोग अपने अपने थाल स्पॉटलाइट पे ले लेते हैं हम। मैं अर्घ को शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग बोले बोल सकते हैं। हाँ सभी लोग बोलेंगे, अर्घ अपने हाथ में ले लीजिए। अब तो चेत समझ के पिता रे जीवन जग में थोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा संतों ने इसको छोड़ा रे। विद्या वाली भी ज्ञान दिवाकर, विद्या वाली भी ज्ञान दिवाकर, ओजस्वी है मुनि महान त्याग तपस्या करते देखो, त्याग तपस्या करते देखो, उनका करते हम गुनगान, उनका करते हम गुनगान। आठ जन्म से सुनों को, आठ जन्म से सुनों को तुमसे पाने आया हूँ, करूँ समर्पण चरण कमल में अर्घ भेंट में लाया हूँ, करूँ समर्पण चरण कमल में अर्घ भेंट में लाया हूँ। अब तो चेत समझ के पिता रे जीवन जग में थोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा संतों ने इसको छोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा संतों ने इसको छोड़ा रे। ओ शिष्याचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिन्द्राय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। सभी आयुर्वेद साधकों की ओर से और पूरे विश्व की ओर से आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के चरणों में हम अर्घ समर्पित करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी। सभी के थाल सजे हुए हैं, इतने सारे थाल यहाँ पॉसिबल नहीं है दिखाने, सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे थाल अर्घ के सजाए हुए हैं। सभी लोगों ने आपके चरणों में श्रीफल भेंट कर रहा हूँ महाराज जी, हम लोगों की तरफ से स्वीकार करें, स्वीकार करें। सभी लोगों ने अर्घ चढ़ाया हुआ है, अर्घ के थाल बनाए हुए हैं, हमारा श्रीफल भी स्वीकार कीजिए गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। श्रीफल भेंट करती हूँ महाराज श्री, श्रीफल भेंट करती हूँ आपको। नमोस्तु 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 गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब हम चलेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रखे। नमोस्तु गुरुवर, आईवीएस परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में सभी ने श्रीफल भेंट किया कि हर अध्याय के पूर्ण होने के बाद हमें गुरु जी से ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जयकारा गुरुदेव का, जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु जी को स्पॉटलाइट।
इन्हें भी आवाज नहीं आ रही है और इनको और बता दिया जाए कि इसमें इनको ये भी बता दीजिए कि इसमें दिगंबर जैन ही नहीं है, सभी जैन के अलावा अजैन लोग भी बहुत सारे यहाँ पे। हाँ, इसमें जैन और जैनत्तर सभी लोग जुड़े हुए हैं, देश से ही नहीं विदेश से भी बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो आगे हम दीपा जी भी हमारे साथ चढ़ा दिए। हाँ, हे गुरुदेव, अभी हम चलते हैं गुरुदेव की वाणी की ओर। हे गुरुदेव, ऐसे ही हे गुरुदेव, ऐसे ही करुणा की छाव हम पे बनी रहे आपकी, और आपकी दिव्य देशना हमें मिलती रहे। हे गुरुदेव, सौम्य सहज सरल प्रज्ञा छेनी से आप अपनी वाणी से जिन वाणी को हमारी कर्णांजलि में प्रवेश कर हमें निर्वाणजलि तक का रास्ता प्रशस्त करें। हम व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने का मार्ग आपसे और विकास की ओर जाने का मार्ग उदात्त जीवन मूल्यों से हमें आध्यात्मिक उत्क्रांति की ओर बढ़ने का मार्ग आपसे ही हमें प्रशस्त हो। इसी भावों के साथ प्रभु मेरी भावना पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो, और आप अपने वाणी का उद्बोधन हमें प्राप्त करें, प्राप्त करें, प्राप्त करें। बोलिए परम्पराचार्य 108 परम पूज्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। जय साधकों के हम आचार्य श्री से विनती करते हैं कि हमें अपने मंगल आशीर्वाद और मंगल उद्बोधन से अनुग्रहित करें महाराज श्री आचार्य श्री अनुग्रहित करें, अनुग्रहित करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु यदर्चा भावेन प्रमुदिति मनादर दुरिह प्रणादासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सदि भक्ता शिव सुखी समाजं किमुतला महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवैशाहूरम। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। मुनिराज की जय। बहुत सुंदर आयोजन। हम सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान महावीर स्वामी मिले, और जिन्होंने जीवन जीने की कला के साथ साथ मरने की भी कला सिखाई। अपने स्वस्थ जीवन में स्वस्थ विचारों से स्वस्थ ध्यान करके सदा सदा के लिए आरोग्यवान होने की कला। सिद्ध परमात्मा महा आरोग्यवान है, और हम सब लोग ऐसा सिद्ध बनने की शक्ति रखते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने सत इंद्रों के समक्ष और अनेक जीवों के समक्ष
घोषणा की कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है अपने पुरुषार्थ से, वह अपने पौरुष को प्रकट कर सकती है, नर नारायण हो सकता है, पशु परमेश्वर बन सकता है। जैन धर्म आत्मवादी धर्म है, अनात्मवादी धर्म नहीं है। अनात्मा से राग देश मोह को छुड़ा करके आत्मा में अपनी श्रद्धा, अपने ज्ञान, अपने चारित्र की स्थिरता को प्रकट करना सिखाता है। आप सब लोग, हम सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान महावीर स्वामी मिले जिन्होंने श्रावक के लिए अनुव्रत और मुनिराजों के लिए महाव्रत का संदेश दिया कि इससे बाह्य जीवन ही नहीं आंतरिक जीवन भी बहुत सुंदर और बहुत ही स्वस्थ बन जाएगा। हम सब भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को पवित्र करें, पावन करें। अनादि काल से हमने सम्यक्त को प्रकट नहीं किया, इसलिए हमारा यह संसार चल रहा है। निश्चित ही पंचम काल में समस्त जीव मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मिथ्यात्व के साथ जन्म न लेता हो। अगृहित मिथ्यात्व हमारा अनादि से चला आ रहा है। मनुष्य ही एक ऐसा मनुष्य है जो मनुष्य पर्याय में आकर के बहुजन लोगों के बीच में रह करके अनेक प्रकार के मिथ्यात्व को और भी ग्रहण कर लेता है। ऐसे अंदर संशय, एकांत, विपरीत मिथ्या मान्यताएं अपने जीवन में धारण कर लेता है, जिस चक्र से वह पूरे जीवन भर बाहर नहीं निकल पाता है और अनंत काल का कर्म द्रव्य यहां पर इकट्ठा करके अनंत काल की यात्रा में चला जाता है। हम सब लोग भगवान महावीर से स्वामी के छाव तले बैठ करके ये अद्भुत बात सीख रहे हैं। आज तक जिसने बताया नहीं, आपको पता है भावना का अर्थ क्या होता है? भावना का अर्थ होता है जो आज तक हमने भाया नहीं। हमने संसार भावना बहुत भाई, मकान बनाना है, दुकान बनाना है, घर चलाना है, परिवार चलाना है, ये हर पर्याय में हमने ऐसी भावनाएं भाई, लेकिन अपने कल्याण की भावना आज तक नहीं भाई। अपने अंदर मिथ्या भाव निकाल करके सम्यक्त भाव प्रकट करो, ऐसी भावना आज तक नहीं भाई। मैं भी भक्त से परमात्मा बन जाऊं, ऐसी भावना आज तक मैंने नहीं भाई। भाव और भावना में यही अंतर है। भाव तो द्रव कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले परिणाम जो है वह भाव है। क्रोध कर्म का उदय आया, क्रोधी हो गए। मान कर्म का उदय आया, मानी हो गए। लोभ कर्म का उदय आया और लोभी हो गए। तो हम तो द्रव कर्म के उदय से होने वाले परिणाम वो हमारे भाव कर्म है, लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ जो भावना भाई जाती है वो भाव कर्म नहीं है। भावना हमारा निज पुरुषार्थ है। वर्तमान का पुरुषार्थ है जिसमें हम संसार शरीर भोगों से कैसे विरक्त हो, विषय वासनाओं से कैसे हम निवृत्त हो, कैसे हम सौपर का ज्ञान कर सके, पर से अलग होकर के आत्म ध्यान कर सके, यह हमारा वर्तमान का निज पुरुषार्थ है। ये निज पुरुषार्थ भी हमें तत्व चिंतन से आता है, ज्ञानाभ्यास से आता है, शास्त्र स्वाध्याय से आता है, गुरुओं की निज संगति करने से आता है, उनके सानिध्य में बैठने से आता है, भगवान महावीर स्वामी के जिनालय आदि में जाने से आता है, सत पुरुषों के
से चर्चाएं करने में आता है और ये भावनाएं फिर हमारे अंतरंग से उत्पन्न होती हैं और इसी निज पुरुषार्थ से ही हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। सचमुच में आप लोग जैसे भी अनुपमा, अर्चना, दीपा आदि ने बताया इस क्लास के बारे में, मुझे सबसे पहले उषा मार्सन्स जो आगरा वाले हैं उन्होंने हमारा चतुर्मास कराया था 2004 का एमडीजन कॉलेज में, उन्होंने इस जूम की क्लास के बारे में बताया था कि बहुत सुंदर यहाँ पर आदिनाथ भगवान का जो स्त्रोत मानतुंग आचार्य द्वारा लिखा गया भक्ता मर, यह ऐसा स्त्रोत है जिसके भक्त अमर हैं, भक्त अमर हैं, अमर मतलब देव, जिसके देव भी भक्त हैं, जो अपने भोग संपदा को छोड़कर के भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हैं, ऐसे देव भी जिनके भक्त हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान की जो स्तुति करता है, बीज अक्षरों का जो ध्यान करता है। देखिए बीज अक्षर के पढ़ने के अपने अपने कंठ, तालु आदि स्थान होते हैं, यदि उन स्थानों से उन बीज अक्षरों का उच्चारण होता है तो हमारे शरीर में एक कंपन होता है, एक परिस्पंदन होता है और आत्मा में भी परिस्पंदन होता है। शरीर के योग में और आत्मा के योग में दोनों में परिस्पंदन होता है और जिसके कारण जो कर्म बंधे हुए हैं आत्मा से वो निर्जीर्ण होना प्रारंभ हो जाते हैं, वो क्षय को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम इस प्रकार की हीलिंग, इस प्रकार का परिस्पंदन करें, ये बीज अक्षर जिन जिन स्थानों से जिनका उच्चारण होता है, कुछ पेट से भी होते हैं, कुछ छाती से भी होते हैं, कुछ कंठ से भी होते हैं, कुछ तालु से भी होते हैं, कुछ नासिका से भी होते हैं, तो इस प्रकार से उनका शुद्ध उच्चारण करके हम करते हैं तो निश्चित ही आरोग्यता के साथ साथ मन में शांति पैदा होती है, आत्म शांति पैदा होती है और हमारे जो अनादि के जो कर्म बंधे हुए हैं वो कर्म भी समाप्त होते हैं। इन बीज मंत्रों का ही चमत्कार है और ये ध्यान रखना, इन बीज मंत्रों के चमत्कार के साथ साथ आपका उच्चारण और आपकी भावना का चमत्कार है। यदि आपका उच्चारण सही है और उस उच्चारण के साथ साथ उसमें लगी हुई आपकी लगन, आपकी उसमें भावना, आपका सारा का सारा उपयोग उसमें जुड़ा हुआ है तो निश्चित ही उस बीज मंत्र के कारण हमारे अंदर जो कर्म कलंक हैं वो निष्कलंकता को प्राप्त हो जाएंगे, आत्मा जो है वह सुंदर हो जाएगी, कर्म बादलों से जो आवृत है, आच्छादित है, उससे दूर हो जाएगी और जैसा आत्मा का सहज स्वभाव है वो प्रकट हो जाए। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ उसके कारण हम ही हैं। ये बात बहुत सुंदर बात है, इस बात ने हमें स्वतंत्रता सिखाई है, इस बात ने हमें अपने आप को बहुत बड़ा संबल दिया है, निरालंबन होना सिखाया है, हम अवलंबन व्यवहार से परमात्मा का लें, धर्म का लें, लेकिन निश्चय से परमार्थ से अपना अवलंबन स्वयं कर लें, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने सिखाया है। वो कहते हैं कि आज तुम जो कुछ हो वर्तमान में उन सब के कारण आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। आज सुखी हो तो अपने कारण से और दुखी हो तो अपने कारण से, आज आप रोगी हो तो अपने कारण से और निरोगी हो तो अपने कारण से, आज तुम संसारी हो तो अपने कारण से
और आगामी काल में सिद्ध बनोगे तो अपने कारण से, अपने ही निज पुरुषार्थ से, अपने ही निज भावना से, निज श्रद्धा से, निज ज्ञान से, निज चारित्र की स्थिरता से हम अपना कल्याण कर पाएंगे। बहुत सुंदर यहाँ पर अर्चना जी द्वारा तत्वार सूत्र का वाचन हो रहा है। दीपिका दीपा ऋषभ बिहार, उन्होंने मुझे बताया कि हम सब लोग तत्वार सूत्र का अध्ययन करते हैं, उनके पति प्रमोद जी जो बहुत उनका सहयोग करते हैं, दीपा का स्वास्थ्य अधिक सही नहीं होने के उपरांत भी इस भक्तांबर आदि और इस ज्ञान आदि की शक्ति से जो अपने आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस करती हैं। यह कार्यक्रम और आयोजन बिल्कुल होते रहना चाहिए और 500 दिन ही क्यों, जीवन पर्यंत ही यह अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम चलता रहना चाहिए, यह बंद नहीं होना चाहिए। ये हमारे आत्मा की खुराक है, तन के लिए भोजन जरूरत है और मन के लिए भजन की जरूरत है। तन को भोजन मिल जाए और मन को भोजन न मिले, प्रभु का भोजन न मिले, प्रभु का भजन न मिले, प्रभु का ज्ञान न मिले, तो ये मन अस्वस्थ हो जाएगा, ये मन बीमार हो जाएगा। तो मन को भी भोजन देना जरूरी है, ये ज्ञान जो है मन की खुराक है, इसे मिलना बहुत जरूरी है, वरना ये मन कहीं और लग जाएगा, पाप में लग जाएगा, संसार में लग जाएगा, संसार को बढ़ाने वाला हो जाएगा। हम सब लोग ऐसा स्वाध्याय करते रहें। अभी कुछ बहनें बहुत सुंदर उच्चारण कर रही थी तत्वार श्रुत का, इससे लग रहा था कि सचमुच में बहुत रुचि से पढ़ रहे हैं सब लोग। ज्ञान ही हमें पार लगा सकता है। छोटी सी पुस्तक छैडाला जिसमें ये कहा गया है, ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण। सुख का यदि कोई कारण है तो वह ज्ञान है। धन दौलत शोहरत ये सुख नहीं दे सकती है, ये सुखाभास दे सकती है, लेकिन आत्मिक सुख जो है वो हमारा सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान ही दे सकता है। पहले जो आत्म ज्ञान बिना सुख ले से न पाओ, आत्म ज्ञान सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है, मुनिराज आत्मज्ञानी होते हैं, ध्यान रखना, ज्ञानी आत्मज्ञानी और केवल ज्ञानी। क्या बनना है तुमको? ज्ञानी से आत्मज्ञानी बनना है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी बन सकता है, सम्यक दृष्टि भेद ज्ञान कर सकता पर भेद विज्ञान नहीं कर सकता। भेद ज्ञान कर सकता है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, परिवार अलग है, मैं अलग हूं, परद्रव्य अलग है, इस प्रकार का ज्ञान और इस प्रकार की श्रद्धा कर सकता पर उसका अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव के लिए भेद विज्ञान जरूरत है, अनुभव के लिए तत्वार सूत्र का पहला सूत्र की जरूरत है। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र क्या कह रहा है? सम्यक दर्शनच ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो रहा है अर्चना जी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और इन तीनों की एकता कहां से प्रारंभ होती है? छठवें गुण स्थान से प्रारंभ होती है, और छठवां गुण स्थान जो होता है वो मुनिराज का होता है, वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो रहा है इस तत्वार सूत्र के अनुसार। सोचिए, तो अभी हम सम्यक दृष्टि ज्ञानी हैं पर आत्मज्ञानी नहीं बन पाए हैं, और आत्मज्ञानी बनने के लिए हमें चारित्र की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, उस ओर बढ़ना पड़ेगा, और चारित्र ही हमारा प्रमाण है ज्ञान का, हमारी श्रद्धा का। यदि चारित्र नहीं है, और चारित्र में ध्यान रखना बहिरंग चारित्र के साथ साथ अंतरंग चारित्र, बहिरंग का आचरण अच्छा और अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि, स्थिरता, जैसी श्रद्धा हुई थी उसी में स्थिर हो जाने का नाम चारित्र कहलाता है। तो
तो हम सब लोग ऐसा जो प्रथम सूत्र है, मैं तो लोगों से कहता हूं कि घर में यदि सोना हो तो पहनने में ज्यादा उपयोग मत करो, इस सूत्र को सोने में लिखवा करके घर में लिखवा लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अपने सोने का सदुपयोग करो और सोने के अक्षरों से यह सूत्र अपने घरों में लिखवाओ और अपना लक्ष्य बनाओ कि यही मेरा लक्ष्य है। जब तक सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र ना प्रकट हो तब तक हमको रुकना नहीं है, तब तक जूम बंद नहीं होना चाहिए, तब तक ये क्लास बंद नहीं होना चाहिए, जब तक मेरा मोक्ष मार्ग प्रकट ना हो जाए, तब तक जब तक मेरा आत्मज्ञान प्रकट ना हो जाए, जब तक मुझे परमात्मा का और अपनी आत्मा का अनुभव ना प्रकट हो जाए। ये तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ उससे का अर्थ, किसका अर्थ, तत्व का अर्थ, तत्व मतलब उसका भाव, किसका भाव, जीव अजीव का क्या भाव है उसका भाव जानना, और प्रयोजन भूत तत्व का जानना मतलब आत्म तत्व को जानना, जीव तत्व को जानना, अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या बन सकता हूं और उसके बनने के क्या उपाय हैं, उन उपायों को मैं पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट करूं, बिल्कुल नियम से पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट करूं, ये मेरा पुरुषार्थ ही मुझे जो है मुक्ति दिलाएगा, परम सुख दिलाएगा। हम सभी लोगों का लक्ष्य जो है परम सुख का है। सब लोग सुख चाहते हैं ना, कितने लोग सुख चाहते हैं, जरा हाथ उठाओ, कितने लोग सुख चाहते हैं, इसका मतलब सब लोग दुखी बैठे हुए हैं। सब दुखी लोग बैठे हुए हैं संसार में, निश्चित ही दुखी है। हम दुखी हैं और हम सुख चाहते हैं, और सुख चाहने का एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। किसी ने मुझसे पूछा कि सुख और दुख किसे कहते हैं, तो मैंने बताया बंधने के समान कोई दुख नहीं है और छूटने के समान कोई सुख नहीं है, याद कर लेना, बंधने के समान कोई दुख नहीं है और सुख छूटने के समान कोई सुख नहीं है। आप जितना जितना बंधते जाओगे उतना उतना दुखी होते जाओगे, और जितना जितना छूटते जाओगे उतना उतना क्या होते जाओगे, सुखी होते जाओगे। कोई पैसे से बंधा है, कोई पुत्र से बंधा है, कोई पति से बंधा है, कोई परिवार से बंधा है, कोई परिग्रह से बंधा है, कोई घर से बंधा है, कोई धन दौलत से बंधा है, कोई खाने पीने से बंधा है, कोई सजने सवरने से बंधा है, कोई घूमने फिरने से बंधा हुआ है, हर कोई बंधना चाहता है, और जो जितना बंधना चाहता है वो उतना ही उतना अपने दुख के गड्ढे खोद रहा है, दुख की खाई खोद रहा है, और जो जितना छूटते जा रहा है वो उतना सुखी होते जाएगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ये छूटने का मार्ग है, ये छूटने का मार्ग है। पहले श्रद्धा से छोड़ना है, फिर चारित्र से छोड़ना है, दो चीज से छोड़ना, ध्यान रखना, दो चीज से छोड़ना है। पहले किससे छोड़ना है, श्रद्धा से, ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, ऐसी श्रद्धा से छोड़ने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसका नाम है, ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, ये जगत का पदार्थ मेरा नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, ऐसी श्रद्धा का नाम, मात्र ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और फिर अपनी आत्मा का अनुभव करना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। पहले श्रद्धा से छोड़ा जाता है, किससे छोड़ा जाता है, श्रद्धा से। भरत चक्रवर्ती ने पहले श्रद्धा से छोड़ दिया, भले चक्रवर्ती पद में रहे पर श्रद्धा से छोड़ा तो उनको छायिक सम्यक दर्शन हुआ है कि ये मेरा नहीं है, पर चारित्र से नहीं छोड़ा था। चारित्र से तो ये तो पत्नी है, ये मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरे हैं, बोलने में आ रहा था, कहने में आ रहा था, बताने में आ रहा था, पर श्रद्धा में नहीं आ रहा था। दुनिया को बताने में आ रहा था कि ये मेरा वैभव है, ये मेरी संपदा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिग्रह है, ये बोलने में आ रहा था, कथन में आ रहा था, लेकिन जब चारित्र धारण कर लिया जाता है तो कथन में भी नहीं आता है, ये अनुभव के विषय बन जाता है। भरत चक्रवर्ती ने जब घर छोड़ा तो लोगों ने कहा कि भरत चक्रवर्ती ने बहुत कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया,
इतने घोड़े, इतने रानी, इतने हाथी, इतने पैसा, इतना दौलत, सब कुछ छोड़ दिया। जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुजी का प्रवचन सुन रहा था तो मैं कमरे में जाके बोला कि गुरुदेव भरत चक्रवर्ती ने ये सब कुछ छोड़ दिया तो रोड में भगदड़ मच गई होगी, इतने घोड़े छोड़े, इतने हाथी छोड़े, जाम लग गया होगा। तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं छोड़ा, घोड़े तो अभी गुड़साल में ही है, हाथी तो अभी गजसाल में ही है, अश्वसाल में ही है, रानियां रनवास में ही है, फिर क्या छोड़ा? ये मेरे थे, मैं इनका था, ऐसा भाव जो बना हुआ था इस भाव को छोड़ दिया, वहीं पर चारित्र प्रकट हो गया और मुनि बन गए। तो ऐसा कल्याण होता है। ये पहला जो सूत्र है बहुत ही कल्याणप्रद है। तत्वार सूत्र सभी को कंठस्थ रहना चाहिए। कंठ की विद्या और अंटी में रखा हुआ धन हमेशा मुसीबत में काम आता है। समाधि काल में ये कंठ की विद्या काम आएगी। ये कंठ की विद्या किसमें का याद आएगी? समाधि काल में, जहां किसी का संबोधन भी ना मिले, जहां किसी का सानिध्य भी ना मिले, मान लो तो उस समय हमारा ये कंठ में जो ज्ञान है, जो स्मरण में स्मृति में है, इस ज्ञान के बल से ही हम अपने आप में समता भाव प्रकट कर पाएंगे, समाधि भाव प्रकट कर पाएंगे, समाधि मरण कर पाएंगे। इसलिए अभी जितना है इसको रटो, रट करके उसको याद करो, अनुभव में लाओ, चिंतन में लाओ, मंथन मनन में लाओ। इस प्रकार का यहाँ पर बहुत सुंदर तत्वार सूत्र की वाचना चल रही है और सभी लोग, सारे मेंबर जितने हैं सब लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार का धर्म ध्यान आप सब लोग के जीवन में चलता रहे। मैं पुनः अर्चना जी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ और दीपा जैन, उषा जैन मार्सन्स और भी लोग हैं, शिखर जी वाली अम्मा क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, इन सबको मेरा नंदिता, क्या नाम है, नंदिता, ललिता, ललिता संतोष, ललिता, जैसा नाम रूप और स्वरूप है। तो आपको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है सभी लोगों को, कि इसी प्रकार से मंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से और जिनवाणी माँ के माध्यम से अपने जीवन को, अपने मन को स्वस्थ करें, सुंदर करें, मोक्ष मार्ग में चलें। इसी भावना के साथ साथ सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आचार्य श्री, कल के लिए भी हम दीपा जी और हम सब लोग आपसे साधक निवेदन करना चाहते हैं कि कल भी किसी एक विषय पे यदि आपके उद्बोधन हो जाए। जी गुरुदेव, एक दिन और दे दीजिए, मन नहीं भरा अभी, अभी ज्ञान के मोती बाकी हैं। आज तो शुरुआत, कल आप ही का समय लेंगे गुरुदेव, कल आप ही का समय लेंगे, बाकी और समय कोई भी हम आज आप जो समय बोलेंगे उसी समय पे। पहला दिन था तो कुछ हम लोगों की फॉर्मेलिटीज रहती हैं तो उसमें भी समय चला गया, तो कल हम और अच्छे से सुनने को मिलेंगे। तो कल के लिए हम आशीर्वाद आपसे चाहते हैं आचार्य श्री, सभी साधक आईवीएस परिवार और हमारे ऑर्गेनाइजर ललिता जी जो हमसे 500 दिनों से लगातार इस सेशन को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, सिद्धार्थन से सभी अजय अहिंसा और शर्मिला जी ओसवाल और कुसुम जी श्री श्रीमान रायपुर, सभी लोग हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि कल के लिए और हमको और ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है। आज तो हमारी भावना प्रकट करने में हमारा समय निकल गया, हम चाहेंगे कल हम आपका पूरा उद्बोधन सुने जिससे कि हम लोग लाभान्वित हो सके। मैं इनकी एक लाइन दोहराना चाहती हूँ गुरुवर की, एक मिनट, मैं मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ। इस चीज को अगर हम अपने में उतार ले, ग्रस्त में रहते हुए भी सब चीजों से है साथ, लेकिन मन में भाव ये रही कि एक दिन मैं अकेली आई हूँ और अकेले ही मुझे जाना है और ये मेरे नहीं और मैं इनका नहीं हूँ, ये अगर अपने अंदर में उतार लिया तो शायद सब में दर्शन की तो प्राप्ति धीरे 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 अपने अंतरंग में आती जाएगी। तो बहुत सुंदर, और सोने के पात्र में आप बोले कि इस प्लेट में
मोक्ष मांग सीता वो पूरा लेखन दो लाइन का अगर हम उतार के घर में लगा लें तो मैं सोचती हूँ कि शायद इस चीज को सभी गुरुवर को भी भेंट कर सकते हैं कभी अगर इच्छा हुई किसी की और अपने घर में भी लगा सकते हैं तो इससे बड़ा पुण्य है। और गुरुवर ने आके आज हमको बहुत धन्य किया, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो हम लोग उससे अनभिज्ञ थे और उस चीज को जानते तो थे पर वो अपने में उतार नहीं पा रहे थे। आज बहुत सारे शब्दों के साथ मैंने लिखा भी बहुत सारी चीज कि किस तरह से क्या है। बहुत सबसे बड़ी बात हम लोगों को जो मिली गुरुवार से वो आचार्य श्री के द्वारा रचित एक पुस्तक जो टेबुलर फॉर्म में होने से हम लोगों को समझाने में समझने में बहुत इजी है और इसको फिर अर्चना जी ने भी थोड़ा बहुत अपने से लेके और सभी को समझाने की कोशिश की और लोगों ने बहुत लाभ लिया है। 150-200 लोग इसमें ज्वाइन रहे और उसके पहले प्रथम अध्याय में 250-300 लोग भी ज्वाइन थे। तो इस प्रकार एक साथ इतने लोगों का स्वाध्याय करना और करीब हमारा ये सेशन जो चलता है आचार्य श्री सुबह 6:30 बजे से शुरू होता है और 9 बजे तक चलता है। 6:30 बजे से 9 बजे तक इसमें इतने लोगों का ज्वाइन रहना और लगातार 500 दिनों से एक ही स्पीकर को सुनना, एक आदमी को झेलना बहुत बड़ी बात होती है। तो लोग फिर भी उसको सुन रहे हैं और वो नई नई चीजें लाती है, अर्चना मेहनत करती है और सबको लाभान्वित करने की कोशिश करती है। आगम की चीजें हैं, हम लोग तो सिर्फ निमित्त हैं, लेकिन हम लोग भी कुछ कोशिश करते हैं कि उस मार्ग को सबको बताएं और सब लोगों को जोड़ के रखें। तो इस प्रकार हम आचार्य जी से निवेदन करते हैं, चरणों में बार बार विनती करते हैं कि आचार्य जी कल परसों 2-3 दिन जब तक आपके पास हमको समय दे सकते हैं जरूर दीजिए, जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। 15 मिनट का भी समय चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, इतना आप दे सकते हैं, दीजिए। आरती करेंगे, सभी लोग आरती करेंगे, शेयर कर देते हैं गुरुदेव की आरती, सभी लोग करेंगे। शेयर करेंगे तो पिक्चर नहीं दिखेगी, इसलिए मैं शेयर करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले मैं सुनने के बाद शेयर करूंगा, अभी शुरुआत में ऐसी आरती से करते हैं, फिर मैं शेयर कर दूंगा। हाँ चलिए बोलिए, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। हनुमान परम्पराचार्य प्रज्ञ सागर महाराज की जय। आचार्य प्रज्ञ सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू। आचार्य प्रज्ञ सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी आरती उतारू थारी मूरत निहारू। आचार्य प्रज्ञ सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू। नगर जबलपुर जन्म लियो माता मालती को धन्य किए हो। खेम चंद के लाल आज थरी आरती उतारू। आचार्य आज थरी आरती उतारू। ज्ञानी ध्यान निर अभिमानी शांति सुधारस के हो दानी। वाणी है सुधार आरती आरू। आचार्य प्रज्ञ सागर आज धरी आरती आरू। ओ मलिकाया छोड़ी माया को मलिकाया छोड़ी माया। जग कानश्वर सुखन भाया छोड़ा कानश्वर आज थारी आरती उतारू। प्रज्ञ सागर मुनिराज आज आज थारी आरती उतारू। मोक्ष वधु तुम को अति प्यारी मोक्ष वधु तुम को प्यारी। गुरु महिमा तुम से जग जानी करो जगत उद्धार। आज
आचार्य सागर मुनिराज आज धारी आरती स्वर्ण रतन मैयारती भाई स्वर्ण रतन मैयारती लाई केवल ज्ञान मिले सुखदाई युग युग जियो मुनिराज आज धारी आरती आचार्य प्रज्ञ सागर मुनिराज आज धारी उतारू थारी मूरत निहारू आचार्य प्रज्ञ सागर मुनिराज आज धारी आरती उतारू ओम जय 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 नमोस्तु 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 महाराज गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जैसा कि आप सभी को विनती है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य पारस चैनल के माध्यम से आप सभी को तत्वार्थ सूत्र का पाठन कराया जा रहा है नित्य और आगम धारा संघर्ष समाधान भी पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से की जा रही है। तो तत्वार सूत्र से संबंधित जो भी आगम से संबंधित आप सभी के मन में शंकाएं हो तो पारस चैनल के माध्यम से आप सभी उस नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आप सभी पूज्य गुरुदेव के वाणी भी नित्य सुन सकते हैं हमारे प्रज्ञ धारा यूट्यूब चैनल से। प्रज्ञ धारा यूट्यूब चैनल है PRAGYDHARA। आप जाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को पूज्य गुरुदेव की वाणी नित्य सुनने का अवसर मिले। धन्यवाद। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी। हाँ भैया जी, वो जो मैंने बोला है इनका शास्त्र अभी आए हाँ जी। मेरे को बताइएगा। मैं ललिता जैन, मेरा नंबर है 98310। आप वो पारस चैनल के माध्यम से कॉल कर लीजिएगा आरती जी को, आपको वो सारी देखो, आपको अर्चना जी नंबर भेज देंगे फिर आप। हाँ जी ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एडमिन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। हाँ जय जय धन्यवाद भैया जी, आपने हमें महाराज जी के शब्दों से अनुग्रहित कराया। जय जिनेन्द्र जी जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी। थैंक यू दीदी। दीदी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। एक और मैं आपको अनाउंस करवा देती हूँ कि 22 तारीख से 30 तारीख दिसंबर तक चारित्र शुद्धि विधान होने जा रहा है, जो आचार्य संभव सागर जी के संघ में मोक्ष सागर जी महाराज है। उन्होंने 1048 शायद इतना ही उपवास होता है ना चार शुद्धि विधान का, 1000 कितने उपवास उन्होंने किए हैं, 234। हाँ, तो उसके उपलक्ष में बहुत बड़ा विधान हो रहा है और उसमें हमको श्रेय मिला है कुबेर बनने का। अनुमोदन दीदी, बहुत अनुमोदन। तो सभी आइए और उस दान में बैठिए। और ललिता दीदी बहुत बहुत अनुमोदन। पहले अर्चना जी की करते हैं, आज की मैं अनुवाद ना बाद में लूंगी, खाली सिर्फ बताया कि आप 22 से 30 तारीख तक का जो भी प्रोग्राम होता है आप अपने अनुकूल बनाइए और आइए और उस विधान में बैठ के आनंद लीजिए। पूरा इसको ऑर्गेनाइज करने में कलकत्ता समाज है, मतलब भैया जी प्रदीप भैया ने अपने ऊपर नहीं लिया, उसमें पूरा एक कमेटी बैठी है और वो कमेटी पूरा ऑर्गेनाइज 200 से अधिक जोड़े इसमें शायद बैठेंगे, 200 तो मतलब एक है ही है, उससे अधिक जोड़े जो भी जोड़े बैठना चाहते हैं प्रदीप भैया से बात कर लें। और छोड़िए इस बात को, फिर करेंगे। अभी अर्चना और विनय जी का हम अनुमोदना करते हैं। बहुत सुंदर 2 अध्याय पूरा होने की खुशी में आपको बहुत 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 शुभकामनाएं और इसी तरह से आप आगे बढ़ती जाएं और इस सरस्वती और ज्ञानमय के क्षेत्र में आगे मैं तो सोचती हूँ मेरे को थोड़ा सा ऐसे ज्ञान नहीं मिल रहा था, कुछ देख के ज्ञान ले लूं, तो मैं भी आपसे बात करूंगी, आप जो साहित्य बांटने करने में कर रहे हैं फिर अपने
मोबाइल पे बात करेंगे इस बारे में। जरूर जरूर। तो इस प्रकार देखिए भावनाएं ऐसी बनती हैं, दीदी से हमने बोला ही नहीं है, दीदी कहती मैं बात कर लूंगी। तो चलिए बहुत ऐसी भावनाएं सबकी बने, और हम लोग जो साहित्य वितरण का आचार्य श्री के जन्मोत्सव में हमने किए हैं उसमें बहुत लोगों ने सहयोग कर दिया, और मेरी ख्याल से साहित्य वितरण अब निःशुल्क चलेगा। हो सकता है इसमें हम एक टेप को भी जोड़ देंगे वो भी, लेकिन इसका कुछ कास्टिंग ज्यादा है तो इसका हमको इसका कुछ कॉस्ट रखना चाहिए। हाँ, इसका कुछ कास्ट रखेंगे, बाकी पुस्तक तो फ्री, उसमें हम लोगों ने पुस्तक फ्री है, और उसमें हम लोगों ने कोरियर भी फ्री कर दिया कि आपको कोरियर भी नहीं देना पड़ेगा, हम आपको बुक अभी आज के बाद जो भी मैसेज आएंगे सब बुक फ्री जाएंगी। इस प्रकार आज रितु जी हमारे साथ हैं, रितु जी हमारे साथ वो कुछ के अंत में हमारे साथ रितु जी आइए, आपको होस्ट है। चलिए मैं तबलीग करती हूँ। हाँ रितु जी थोड़ा कर लीजिए। रितु जी जय जिनेन्द्र सभी को, और आप भी बोलेंगे थोड़ा। रितु जी मेरे भैया जी अर्चना दीदी को बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी थैंक यू अलका, आप लोगों ने बहुत सुंदर पढ़ा सभी लोगों ने, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी सब आपके कारण हो रहा है, सब आपके शिष्य हैं, आपकी अनुकंपा है दीदी। अच्छा पढ़े आप लोगों ने, महाराज जी के सामने मत दे, बहुत अच्छा। महाराज जी जुड़ेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी, आपकी कल भी ज्वाइन होंगे महाराज जी। अच्छा चलिए अच्छी बात है दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण हमें सब ये सुनो अद्भुत अध्याय की तैयारी कर ले, दस दस पांच लोग दस दस सूत्र कल पढ़ देंगे, 53 है। जय जिनेन्द्र जी द्वितीय अध्याय में रेखा जी का पहले लिख दो, दस दस रेखा जी पहले बोलेंगी, कल हो जाएगा। मैं भी बोलूंगी भैया, नंबर नहीं आया जी। रेखा जी सुमनलता जी आप रहोगी क्या, पहले पूछ लो किसे। सुमनलता जी का सुबह जमेगा क्या, सबको अनम्यूट कर, अनम्यूट कर रहे सुमनलता जी। मैं भी बोल दूंगी भैया, आप जुड़ी थी दीदी, वैसे जुड़ती हूँ लेकिन उस टाइम पे तो नहीं हो पाए, 8:15 तो नहीं हो पाए। चलो ठीक है आपको नहीं लेते इसमें, आपका दीदी उषा जी बोल रही है, उषा दीदी आगरा वाली। हाँ उषा दी नेक्स्ट 10 उषा जी ले लेंगे, जिन्होंने पहले उनको अनम्यूट कीजिए। रितु उषा जी को अनम्यूट, 1 से 10 रेखा जी, 11 से 20 उषा जी आगरा, रितु जैन कोलकाता, और उषा जैन रायपुर, रायपुर बोलूंगी कोलकाता। एक मिनट अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ बोलूंगी मैं भी। हाँ चलिए उषा जी का 21 से 30 अर्चना भाभी को बहुत बहुत बधाई, और आज का सेशन मैंने पूरा अटेंड किया, प्रज्ञा सागर जी महाराज का मैं शाम को क्लास डेली देखती हूँ, और बहुत सुंदर आज उन्होंने समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लगा। और उषा जी 21 से 30, और रितु जी बोलना है, रितु जी को भी क्या बोले, क्या बोले, 10-10 सूत्र 5 लोगों को ले लेंगे कल, ज्यादा लोगों को म्यूट अनम्यूट में दिक्कत होती है, तो 31 से 40 रितु जी, 31 से 40 रितु जी, और कौन बोल सकता है, जेंट्स लोग चाहिए हमें। महावीर जी बोलेंगे, महावीर जी बोल लेते हैं क्या, राकेश जी है हमारे साथ। महावीर जी हाँ मैं बोल दूंगा साहब। हाँ तो महावीर जी बोलेंगे 41 से 50, ठीक है सर। दीदी आप म्यूट हो गए, दीदी आप म्यूट हो गए। सिर्फ 3 सूत्र बने, राकेश जी है क्या हमारे साथ, राकेश जी या गोमटेश जी, गोमटेश जी आप बोलेंगे क्या, वो अनम्यूट कर रहे, जेंट्स लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। गोमटेश जी कौन सा पढ़ना है, लास्ट के 3, 51 to 53, 51, 52, 53, हाँ पढ़ेंगे। चलिए 3 सूत्र आपके हो गए। हाँ देखिए नंबर सब लोग अपने लिख लेंगे, और जिनको भी पढ़ना है हमको बता दें, हम फिर से यदि ज्यादा लोग पढ़ने वाले होंगे तो हम रीशेड्यूल करते हैं। नहीं पर वो फिर म्यूट अनम्यूट में दिक्कत हो जाती है ज्यादा लोग, इसलिए ना 5 लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, नेक्स्ट चांस उनको दे देंगे अगली बार भी,
परसों बुलाएंगे तो परसों फिर पहला अध्याय का ले लेंगे, क्योंकि हमें म्यूट अनम्यूट के लिए दिक्कत हो जाती है। चलिए रेखा जी कुछ बोल रही हैं, बोलिए। भैया आज तो धन्य हो गए हम इस स्टेशन में बैठ कर की आज महाराज श्री के दर्शन हो गए, और इतना सुंदर उन्होंने बताया कि किस तरह हम सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं और किस तरह से हमारे पे कर्म जो आत्मा पर आच्छादित हैं उनको कैसे हम हटा सकते हैं, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। एक एक चीज उन्होंने इस तरह से बताई कि अंदर चली गई कि यंत्र मंत्र और द्वादशांग जिनवानी से हम अपना उद्धार कर सकते हैं। सही में दीदी रोज नई हमें मिल जाती है आज महाराष्ट्र, हमने हमने कुछ भी नहीं किया, अचानक दो अध्याय खत्म हुए और इस सेशन की पवित्रता या महानता जो भी समझ लीजिए, ऑटोमेटिक ऐसे निमित्त बने। अचानक प्रमोद जी का फोन आया दीपा जी का और वो बोले ऐसा ऐसा करना है, मैंने कहा कितनी अच्छी बात है भाई, दो अध्याय खत्म हुए और अपन उसको कर रहे हैं और रिपीटेशन और क्वेश्चन आंसर हमको होना ही था तो वो हो गया। तो बहुत धन्यवाद दीपा जी को, प्रमोद जी को बहुत बहुत अनुमोदना। रितु जी बोलिए, रितु जी बहुत बहुत अनुमोदना दीदी को, बहुत बहुत अनुमोदना दीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी को, बहुत धन्यवाद आपने। ये हम सबका पुण्य का फल है, हम ही सब हम सबका इकट्ठा पुण्य का फल है ये, हमने जो साधना की है ना। आज मेरे ख्याल से आज पहली बार आचार्य गुरुवर के चरण इस IVS में पड़े हैं जो बहुत दूसरी बार सॉरी दूसरी बार हाँ पहले कौन से पहले अच्छा मैं नहीं हो रहा है कि आपने सबको धर्म के मार्ग पर लगा दिया है दीदी, आपने आशीर्वाद दीदी को दीपा तक पहुंच गई और दीपा ने वहां पर काम कर दिया। जी हम सबकी ऊर्जा काम कर रही है, हम सबको जो ऊर्जा मिल रही है ना दीदी के थ्रू वो ऊर्जा काम कर रही है, टेंशन की ऊर्जा काम कर रही है। जिस तरह दीदी ज्ञान का खजाना लुटा रही है, इंजन तो दीदी हम तो डिब्बे हैं, दीदी इंजन हम डिब्बे हैं, उसी तरह गुरुओं का आशीर्वाद भी इन पर इंजन पीछे से अब डिब्बे भाग रहे हैं। हाँ दीदी भाग रही है उनके पीछे पीछे हम भी भाग रहे हैं। और दीपा जी आपके कारण महाराज जी झूम पे आए आज। नहीं हम सबका पुण्य है ये, मेरा अकेली का नहीं, हम सबका पुण्य है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, ऐसे ऐसे ही निमित्त सब बनते रहो तो बहुत। अरे सही बात बोली है उन्होंने, वो बोली कि सबका पुण्य निमित्त होता है। उस दिन विश्व सागर जी आचार्य श्री ने क्या बोला था, बिल्कुल ये पुण्य हमारा नहीं है, हम इनके द्वारा ये सावकों का पुण्य होता है तभी हम लोग खींचे चले आते हैं, तो ये IVS का पुण्य है, उसमें निमित्त कोई बन गया उसके लिए उनको थैंक यू, लेकिन पूरा IVS का पुण्य है कि उसके माध्यम से अर्चना जी विनय जी के माध्यम से जो हमारे बुलाने वाली दिल्ली वाली क्या नाम था उनका दीदी दीपा जी उनका बहुत बहुत, और हमारे उषा जी जिनका चतुर्मास कराया था प्रकाश सागर जी का, उन्होंने वो चार लाइन जो बोली थी वो तो बोल के सुना था उषा जी, उषा जी ने पहले बता दिया था उनको, बहुत बड़ी बात हो गई एकदम से कि उषा जी ने अपने सेशन के बारे में उनके कानों में पहले जानकारी डाल दी थी। वो चार लाइन सुनाई है उषा जी जो आपने उनके बारे में बोला था गुरुवर के बारे में। एक मिनट में बोलता हूँ, जिन पांच छह लोगों को कल द्वितीय अध्याय पढ़ना है वो लोग रोकेंगे लीव नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग उनका प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस लेना है उनकी। लास्ट चलिए बोलिए उषा जी। नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और ये दो मुनिराज यहाँ आए थे तब इनका नाम विकर्ष सागर जी और विशोक सागर जी था, विकर्ष सागर जी और विशोक सागर जी था और बहुत छोटे थे जब इनको इतना वो नहीं था, तो मेरे फादर इन्होंने मतलब मेरे ससुर जी ने इनका बहुत ध्यान रखा था और चतुर्मास यही करने का आग्रह किया था, और हमारे घर के पास में ही MD जैन कॉलेज मंदिर है तो उस परिसर में इनका चतुर्मास हुआ था, तब से मैं इनसे बहुत जुड़ गई थी, तो ये तो मुझे अम्मा भी बोलते हैं। अम्मा के सबको अम्मा बोलते तो तब से ही मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, और उसके बाद में फिर विद्यानंद जी महाराज श्री जो थे वो भी मेरे फादर इन लॉ के, मैं बहुत उनसे निकट थी, तो वहां पे इनको फिर महाराज श्री को कहा कि आप यहाँ करिए, महाराज श्री से संपर्क हुआ विद्यानंद जी महाराज श्री से, आचार्य विद्यानंद जी से,
और उसके बाद में इनका जो ज्ञान है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उन्होंने विद्यानंद जी महाराज ने इनको सारा ज्ञान दिया और बहुत आगे बढ़ाया इनको। तो मैं तो जब भी विद्यानंद जी के पास जाती थी तो वो कहती थी कि देख भाई तेरे वो बैठे हैं वहां पे, वहां जाके दर्शन कर तू। मैंने कहा महाराज श्री वो तो मैं कर ही लूंगी, मैं तो पहले आपके लिए आई हूँ। इस तरह से मेरा महाराज श्री से बहुत संपर्क था और अभी भी कोई भी होता है या जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ तो मैं इनसे इनके पास इनके चरणों में जाती हूँ। मेरे बच्चों का भी इनसे बहुत ही स्नेह है, बहुत आशीर्वाद है उनके ऊपर, विशेषकर मेरी बेटी को। तो अभी भी बोलते हैं कि वो सिंगापुर में है तो बोलते हैं कि कब आएगी, अभी कल भी पूछ रहे थे मुझसे। मैंने कहा महाराज श्री आएगी अब जल्दी, वो अभी जाने का वहां निश्चित नहीं होता है ना, इसलिए आना मुश्किल है। चलिए तो अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, समय हो रहा है। पहले रेखा जी बोलेंगी। भाई जी तो रोज रिक्वेस्ट करते थे कि लगातार चलना, आज तो मुनि श्री जी ने जी जो है आचार्य श्री ने भी हमसे हमें आशीर्वाद दे दिया कि हमेशा चलता रहेगा, आप इसे बंद नहीं कर पाएंगे। हम तो आचार्य श्री का आशीर्वाद को तो आज मिला है, आपका आशीर्वाद तो शुरू से मिल रहा है कि इसको 1008 करिए, 501 करिए, बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, और मेरी नींद सुबह 6 बजे से हो रही है। हम सबकी मनोभावना पहुंच गई करेंगे। महाराज श्री ने तो ये कह दिया ना आचार्य श्री ने कि अब तो ये सदैव चलना है, अब तो आपको सदैव ही चलाना पड़ेगा, चलने वाला ही है। हमें सबको सदैव फायदा मिलता रहेगा, हमें तो असली फायदा ये है कि हमको ज्ञान अर्जन मिलता रहेगा। और दीदी जो झूम चालू करने की परमिशन आपको देता हूँ 5 बजे से आप शुरू करिए। दीदी हमेशा कहती है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, कि जाग नींद खराब करके ही सकते हैं। तो आप जो नींद खराब करते हैं ना उससे देखिए कितने पार्टिसिपेंट्स को फायदा हो रहा है आपकी नींद खत्म, एक की नींद खत्म करने से, क्योंकि अभिषेक शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात आपको सबसे पुण्य का लाभ मिल रहा है भैया, क्योंकि आप अपनी नींद सबसे पहले खराब करते हैं फिर हम लोग बैठते हैं सबके सब। तो ये आपके खाते में जा रहा है सब, आपके डिपॉजिट हो रहा है ये धर्म, क्योंकि आप सही जाते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी अनुमोदना है आपकी, बहुत, बहुत, बहुत बड़ी। और दीदी जो ये ज्ञान का भंडार हमें दे रही है रोज, क्या बताएं कि क्या क्या मिल गया है हमारे, क्या क्या मिल गया है, क्या चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं उनको हम बता भी नहीं पाएंगे, क्या बताएं कि वो अंदर की बात है, अंतर मन की बातें हैं जो अंतर में चली गई है। एक एक शब्द दीदी का अंतर में उतरता हुआ ऐसा लगता है, हर समय लाइफ में ये चीजें लगती है, दीदी ने ये बताया था, दीदी ने ये बताया था, ये करना है दीदी ने ये। तो दीदी ऐसे जैसे भगवान का नाम रहता है उस तरह दीदी का नाम भी अपने मन में आने लगा है, अपने ऑटो में मुंह पे आने लगा है कि दीदी अर्चना दीदी कहा था। मेरे को परेशानी हो जाएगी आपको क्या भैया परेशानी होगी, आपके तो बहुत ही अच्छा है, आपके तो सची के अमन भी कराना है हमें, अभी प्रतिक्रमण बाकी है और प्रैक्टिस भी लेना है सबको। पुष्पा जी दो मिनट कुछ बोल रही थी, पुष्पा जी पहले प्रतिक्रमण करवा दीजिए दीदी, प्रतिक्रमण करा देते हैं, पुष्पा जी बोलेंगे उसके बाद। बोलिए आप बोल दीजिए दो मिनट, फिर प्रतिक्रमण है और प्रैक्टिस भी लेना है, सब रुकेंगे। जय बोलने वाले हैं। जय जिनन दीदी, जय जिनन भैया जी, जय जिनन। आपको आवाज आ रही मेरी? आ रही आ रही, बोलिए। आप भैया जी आप सुबह से जो हमें इतना मतलब मेहनत करके सुबह उठ करके भगवान के दर्शन अभिषेक सब करवाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अर्चना जी के लिए मैं यही कहूंगी कि आप हमें जो सुबह सुबह खुराक देते हो ये धर्म रूपी, हम तो रोज सुबह उठे नाश्ता पानी करते तो अब हमें वो सब चीज नहीं चाहिए, हमें आपकी ज्ञान रूपी खुराक की बहुत जरूरत है। हम तो जीवन जीने की कला तो सीख चुके हैं मगर अब हमें मरने की कला सीखना है, जो आज सुबह आचार्य जी ने बताया। अब मुझे मेरे दिमाग में फिट हो गया कि मुझे सिर्फ मरने की ही कला सीखना है, आगे कुछ नहीं सीखना है। तो ये मरने की कला सीखने के लिए आप मुझे धर्म रूपी जो सुबह कराओगे, जैसे जीवन जीने के लिए शरीर चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और आगे के जीवन सुधारने के लिए हमें धर्म की भी मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। तो ये धर्म मार्ग पर चलने के लिए आप सुबह सुबह हमें धर्म रूपी खुराक रोज दीजिए और ये हमेशा के लिए हमें चाहिए। जब तक मैं जीवंत रहूं
ये खुराक मैं आपसे लेते रहो और मेरा शरीर चलता रहे, अस्वस्थ चलता रहे, ताकि मैं धर्म के खुराक मुझे मिलती रहे। इसी आशा के साथ आपको प्रणाम करती हूँ दीदी, बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और ऐसे आशीर्वाद भैया को और आपको हमारे ऊपर बना रहे और हमें यही खुराक मिलती रहे। चलिए चलिए, बहुत आशीर्वाद की जरूरत नहीं, आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए दीदी के लिए एक लाइन और बोल रही हूँ कि दीदी ने ये भाव तो सुधार ही रही है, दूसरे भाव को सुधारने के लिए समाधि संलेखना का रोज प्रतिक्रमण में कहती है, तो दूसरा भाव भी सुधार रही है हमारा। इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना है दीदी की कि हमारे लग्न लगाए कि समाधि संलेखना से ही जाएं, ऐसे ना जाएं हम लोग। तो ये आज हमारे साथ उषा जी हैं, प्रतिक्रमण कराएंगी। हाँ बोलिए, प्रतिक्रमण कराइए, छोटा वाला छोटा प्रतिक्रमण उषा जी, और फिर हम प्रैक्टिस लेते हैं सब। चलिए बोले आदिनाथ भगवान की जय। छोटा सा प्रतिक्रमण करेंगे। हे जिनेन्द्र, हे वितरागी, हे सर्वज्ञ, हे हितोपदेशी, मुझसे मन वचन काय के द्वारा कृत कारित अनुमोदना के द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ के द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों के द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवसास गुरु के प्रति अविनय हुई हो, असाधना हुई हो, तो हे प्रभु हमें क्षमा करे। व्रतों में कई अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो तो आप हमें क्षमा करें। हे भगवान, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक किसी भी जीव को मैंने मारा हो, छेदा हो, भेदा हो, कुचेला हो, तो मैं उन समस्त जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैं समस्त जीवों को क्षमा करती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे, सभी जीव मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैंने क्षण क्षण पल पल हर कदम पर पाप किया है, मन से किया, वचन से किया, काया से किया, करवाया, करवाने वाले को बुरा कहा तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरे सारे दोष मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि फिर से ऐसी गलती आप में नहीं करूंगी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। आज आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन मिला प्रभु। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि आज के इस दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शांति दो कि मैं आज के इस दिन को शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और जितना जरूरी हो उतना आर्थिक रूप से मैं स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं और जीवन की अंतिम श्वास तक मेरा ये धर्म अनुष्ठान यूं ही चलते रहे प्रभु। सभी लोग बोलेंगे मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, शांतो हम, आरोग्यो हम, निरोगो हम, सुख स्वरूपो हम, निरंजनो हम, आनंद स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम, सो 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 हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। दोनों हाथों की सिलसिला बनाएंगे। सिद्ध स्वरूपो हम, आत्म स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। मैं कर्म से रहित हूँ, मैं शरीर से रहित हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। सबको जय जिनेन्द्र।